इंदौर के थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में पैसे के लेनदेन को लेकर चाकू मारने की घटना सामने आई है, जिसमें एक किन्नर और उसकी मां घायल हुए हैं। इंदौर के थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में पैसे के लेनदेन को लेकर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले किन्नर गुंजन ने अपने साथी संतोष को कुछ पैसे उधार दिए थे और गुंजन ने अपने साथी संतोष से जब पैसे मांगने की कोशिश की तो संतोष ने किन्नर गुंजन और उसकी माँ पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें गुंजन और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद आरोपी संतोष फरार हो गया है। पुलिस आरोपी संतोष की तलाश कर रही है। बेटे ने पिता को नहीं मारा है, गुंजन नाम का किन्नर है जो कि दिग्विजय मल्टी में अपनी मां के साथ रहता है और चाकू मारने वाला उसका दोस्त है संतोष, उसी मल्टी में नीचे रहता है। तो उनके पैसे का कुछ लेन देन था, वो पैसे उसे किन्नर ने दिया था संतोष को, पैसे मांग रहा था, तो इसी बात पर से वो जा करके उसे और पैसे मांग रहा था, पुराना पैसा उधार दिया नहीं और मांग रहा था, तो उसी पर से लड़ाई झगड़ा हुआ तो चाकू मार दिया दोनों को। किन्नर गुंजर जो किन्नर गुंजन है उसको भी चाकू मारा था गर्दन को और उसकी माँ को पीठ को। नहीं, अभी फरार हो गया, घर पर ताला लगा है, अभी भाग गए। ये 10-20 हज़ार रुपये का था, ज़्यादा का नहीं था। नहीं, पुराना रिकॉर्ड नहीं है, उसी का गुंजन का ही दोस्त है वो। तो कौन सी धारा है? 307 में, 307, 324, 506। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।